हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान के एक ऐसे विचित्र और अनोखे गांव के दर्शन करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे गांव में समस्त घर कच्चे हैं, वहां एक भी घर पक्का नहीं है और इस गांव का कोई भी व्यक्ति दारू मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है और ना ही केरोसिन जलाता है। दोस्तों, इस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में टूरिज्म की दृष्टि से बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है और यह गांव पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए चलते हैं देवमाली। दोस्तों, देवमाली गांव में एंट्रेंस करते हैं, आपको यह सेल्फी पॉइंट मिलेगा जिसमें देवमाली का नाम लिखा है और इसके दोनों तरफ से ही आप देवमाली गांव में जा सकते हैं। ये सामने देवनारायण भगवान का सवाई भोज का मंदिर दिखाई दे रहा है और इसका एक मेन गेट इधर से भी बन रहा है। दोस्तों यहां देवनारायण का मंदिर प्रसिद्ध है। इस देवनारायण मंदिर में राजस्थान ही नहीं वरन भारत के बहुत सारे राज्यों से लोग दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब हम इस गांव के उन घरों को देखने चलने जिनके लिए यह प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, यह गांव कच्चे घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजकीय भवनों और देवनारायण भगवान के मंदिर के अलावा समस्त घर कच्चे ही हैं और कच्चे घर के अलावा कोई यहाँ पक्का निर्माण नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सामने जो घर दिखाई दे रहा है जिसके दरवाजे में से हम अंदर जा रहे हैं, इसी घर के अंदर अभी हाल ही में अक्षय कुमार द्वारा शूटिंग की गई थी, जिस फिल्म का नाम था जोली LLB 3। जी हाँ दोस्तों, इसी घर में जोली LLB 3 की शूटिंग की गई थी। दोस्तों देखिए, इस गाँव की सड़कें कच्ची सड़कें और कच्चे घर हैं और लोग यहाँ बिल्कुल शांति से रहते हैं और अपने मवेशियों को चराते रहते हैं और अपने कामकाज में लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शांति प्रिय गांव है। ये पहाड़ी पर देखिए भगवान देव नारायण का मंदिर दिख रहा है। दोस्तों हाँ, कई है गांव में, देवमाली गांव में कहीं को मंदिर है? देव नारायण जी को। वो गाँव देवमाली बहुत प्रसिद्ध हो गया की बात के लिए। सब मकान कच्चा है, एक भी पक्को नहीं, इसका क्या कारण है? देवनारायण को पसंद है, देवनारायण जी का पक्का मकान है और गांव वालों का कच्चा ही है। ये देखिए दोस्तों, देवमाली गांव का बहुत ही भिन्न दृश्य। यह दृश्य देवमाली गांव के देवनारायण मंदिर के ऊपर से लिया गया है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार यहां सभी घर कच्चे बने हुए और केलू की छत से सबका निर्माण किया गया। किसी भी घर को आप पक्का नहीं देखते, अगर कोई आपको पक्का घर दिखाई दे रहा है तो मैं ज़रूर सरकारी बिल्डिंग होगी या कोई मंदिर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये है देवमाली गांव। दोस्तों अब हम आपको देवनारायण भगवान के मंदिर की ओर लेकर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पहाड़ी पर बने इस देवधाम के दर्शन करने अपन चल रहे हैं। दोस्तों देवमाली गांव का यह देवधाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ तक कि गांव वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। देवनारायण भगवान का यह मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ है, इसकी ऐसी मान्यता है कि बरसों पहले जब देव नारायण भगवान यहाँ आए थे तो उन्होंने कुछ दिन रहने के लिए ठिकाना मांगा था। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि हम कच्चे घर में रह लेंगे, आप पक्के में रहिए। देव नारायण भगवान को दिए उस वचन को निभाने के लिए आज भी गांव का कोई भी परिवार न तो सीमेंट और बजरी का उपयोग करता है और न ही पक्का घर बनाता है। घर में सब सुविधाएं हैं, लेकिन ये लोग पीली मिट्टी पत्थर आदि परंपरागत सामग्री से ही अपना घर बनाते हैं। ये लोग छतों पर केलू ही लगाते हैं। सभी ने कच्चे गड्ढे में
घर बना रखे हैं। गांव में केवल सरकारी भवन और मंदिर ही पक्का, बाकी सब मकान कच्चे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में अगर कोई पक्का मकान बनाने की कोशिश करता है या मकान बनाना चाहता है तो उस व्यक्ति को जरूर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। उसके घर में या परिवार में से कोई आदमी मर भी सकता है या और अन्य कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गुर्जर समाज के लोगों ने भगवान देवनारायण को यह वचन दिया था कि हम कच्चे घरों में ही रहेंगे और आप सर पक्के मकान में विराजेंगे। उसके बाद उस वचन को आज तक निभाते आ रहे हैं और यहाँ पर कच्चे घर ही बने हुए हैं और लोगों ने बुजुर्गों की इस बात की गांठ बांध ली कि हमें अब कच्चे घरों में ही रहना है। यही कारण है गांव में चाहे कोई लखपति हो या करोड़पति, सभी के घरों में छतें कच्ची बनी और देवमाली गांव की विशेषताएं इसे अन्य गांवों से अलग करती है। दोस्तों चलिए चलते हैं अब देवनारायण मंदिर में भगवान देव जी के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों यह देवनारायण भगवान का मंदिर है और यहाँ से इस गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ करीब 3000 बीघा जमीन भगवान देवनारायण के नाम से है, इसी वजह से यहाँ लोगों के नाम के पट्टे तक नहीं हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया था जो पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति को बनाए हुए हैं। इसके साथ समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली के अलावा सामाजिक और पर्यावरण आदि में उसे बैलेंस किए हैं। इस कैटेगरी में देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था। देवनारायण मंदिर से नीचे उतरते वक्त श्री भूना जी महाराज का मंदिर भी आता है। लोग देवनारायण भगवान के दर्शन करके श्री भूना जी महाराज के भी दर्शन करके जाते हैं। देखिए दोस्तों ये हैं भूना जी महाराज घोड़े पे सवार होकर। दोस्तों अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे खूबसूरत गांव देवमाली कई मायनों में अनोखा है। गांव के सभी मकान आज भी मिट्टी से बने हुए हैं जिन पर केलू की छत है। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण का सुप्रसिद्ध मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस गांव में नीम की लकड़ी जलाना और केरोसिन के उपयोग पर भी पाबंदी है। खास बात यह है कि इस गांव के लोग आज भी शराब और नॉनवेज नहीं खाते हैं। पिछले महीने यहाँ जोली LLV 3 की शूटिंग हुई थी जिसमें अक्षय कुमार भी इस गांव आए थे। काई काई खास बात है गांव में? ये गांव में काई काई खास बात है देवमाली में? मीडिया, फिल्म भी बने? अक्षय कुमार की फिल्म आई? अच्छा अच्छा। और गांव में देव जी को मंदिर है? और काई खास बात है गांव में? कच्चा सभी मकान कच्चा है? अच्छा आप देव मालिक है? पूरी बस्ती कच्ची क्यों है, पक्की क्यों ना? भगवान को यो आशीर्वाद है सबने कच्चा में रहना। अच्छा और पक्का घर हो जो पक्का हो जो भगवान का, बाकी कच्चा अपना। अच्छा यो तो आशीर्वाद है, देव जी को आशीर्वाद है। चलो बढ़िया साहब, बढ़िया बढ़िया।